हेलो एवरीवन, आज का ये वीडियो मैं आप लोगों को एक मैसेज देने के लिए बना रही हूँ। स्टूडेंट्स, मेरे पास बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आप लोगों के आ रहे हैं कि शिप्रा मैम, आप बहुत ही कम स्टेट्स को ध्यान में रखते हुए पीजीटी के कोर्सेज ला रहे हो, और कुछ ऐसे स्टेट्स के बच्चे हैं जो कि बहुत ज़्यादा कंप्लेन लिख रहे हैं कि मैम, आप हमारे मैसेज पढ़ते ही नहीं, मैम आप हमारे लिए कोर्सेज ला ही नहीं रहे हो क्योंकि आप लाना नहीं चाहते हो। तो बहुत सारे ऐसे कंप्लेंट्स आपके आ रहे हैं। तो लेट मी टेल यू स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं अपनी लिमिटेशंस आपको बताऊं। अदर चैनल्स पे या किसी ऐप पर अगर आप जाते हो तो वहाँ पर एक पूरी टीम काम कर रही होती है, जिसमें मैं भी बहुत सारे चैनल्स, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर काम कर चुकी हूँ, जहाँ की मैं एक सिर्फ एजुकेटर थी। मेरा काम होता था पढ़ाना, कंटेंट राइटिंग के लिए अलग टीम होती है, आपके फोन कॉल्स रिसीव करने के लिए अलग टीम होती है, प्लस आपके जो ग्रीवांसेस आते हैं उनके सुनवाई के लिए एक अलग टीम होती है। लेकिन मैंने शुरुआत की मेरे अपने चैनल से, शिप्रानॉमिक्स, एक बहुत ही छोटा सा चैनल, और ये चैनल आप लोगों के सपोर्ट और आप लोगों के विश्वास से ही आगे निकला। कोई भी चैनल बिना स्टूडेंट्स के सपोर्ट के, बिना उनके विश्वास से नहीं चल सकता। आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट की कि मैम आप अपना ऐप बनाइए। आई नो दिस वाज वेरी डिफिकल्ट डिसीजन फॉर मी, क्योंकि एक ऐप को चलाने के लिए, एक ऐप को बनाने के लिए एक पूरी टीम चाहिए। लेकिन फिर भी मैंने बड़ी हिम्मत से और बड़ी मेहनत से एक ऐप एस्टैब्लिश किया, क्योंकि स्टूडेंट मेरा मानना है इकोनॉमिक्स में अच्छे कंटेंट मार्केट में आने चाहिए और दोनों मीडियम में आने चाहिए। लेकिन मैंने शुरुआत की हिंदी मीडियम से, क्योंकि इसके स्टूडेंट मेरे पास बहुत ज़्यादा हैं। इंग्लिश मीडियम के कम 80 कंप्लेंट्स मेरे पास हैं कि मैम आप इंग्लिश मीडियम में बिल्कुल कुछ भी नहीं लाते, क्या आप इंग्लिश मीडियम में लिख सकते हो? स्टूडेंट लेट मी टेल यू, मेरी अपनी एजुकेशन इंग्लिश मीडियम में है, लेकिन चूंकि हिंदी मीडियम के बच्चे मेरे पास बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए पहले मैंने उस माध्यम से जितने कंटेंट थे उसको शुरू किया। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट थोड़ा सा और वेट करें, क्योंकि हिंदी मीडियम के कंटेंट अभी पूरी तरीके से, जब तक मैं सेटिस्फाई ना हो जाऊं कि सारे कोर्सेज में मैंने पूरे कंटेंट डाल दिए हैं, तभी मैं वो इंग्लिश मीडियम वाला जो चैनल है उसको शुरू करूँगी। क्योंकि अकेले किसी ऐप को चलाना, अकेले एक प्लेटफॉर्म को चलाना बहुत मेहनत चाहिए होती है, बट आई एम डूइंग दैट एंड आई कैन डू दैट, आई नो। बट सेकेंड, आप लोगों की कंप्लेन मुझे आती है कि मैम आप फोन नहीं उठाते। तो स्टूडेंट, दिन भर मेरा मॉर्निंग का मेरा पूरा शेड्यूल जाता है नोट्स बनाने में, बहुत सारे मेरे हैंड रिटन पीडीएफ आपको दिखाई देंगे, मैं जो टेस्ट सीरीज चला रही हूँ उसमें मेरे हैंड रिटन क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे, इसके लिए टाइम चाहिए। मैं कहीं से कट कॉपी पेस्ट करने में विश्वास नहीं रखती, बहुत कम ऐसे मेरे पीडीएफ मिलेंगे जो किसी बुक से लिया गया हो, जो कहीं से डायरेक्ट उठा के पेस्ट कर दिया गया हो, आपको मेरे हाथ से लिखे हुए पीडीएफ मिलेंगे। मेरे ऐप पर आप डिफरेंट कोर्सेज को देखेंगे तो आई कैन टेल यू कि मेरे हाथ के लिखे हुए पीडीएफ आपको वहाँ दिखते हैं। तो इसके लिए समय चाहिए, और जितना आप पढ़ते हो बिलीव मी उससे ज़्यादा मैं पढ़ती हूँ, खुद को अपडेट रखने के लिए और आपको अच्छा कंटेंट देने के लिए। खासकर जिन बच्चों ने करंट अफेयर ऑफ इकोनॉमी का कोर्स ले रखा है, उनके लिए हर दिन न्यूज़पेपर से कंटेंट इकट्ठा करना, उनको एनालाइज करना और फिर आपको प्रेजेंट करना, ये कोर्स भी मेरे कुछ पुराने स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट पे मैंने शुरू किया था कि मैम करंट अफेयर ऑफ इकोनॉमी से रिलेटेड कोर्सेज होने चाहिए। तो वो कोर्स भी बहुत अच्छा चल रहा है और आप लोग उसमें इंटरेस्ट ले रहे हो। दूसरी बात, जहाँ तक इंग्लिश मीडियम की है स्टूडेंट, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी हिंदी मीडियम वाले बच्चों का पूरा कंटेंट खत्म हो जाए, फिर मैं इंग्लिश मीडियम पर आऊँगी और पक्का आऊँगी, दैट दिस इज माय प्रॉमिस। इसके अलावा आप लोगों में से कुछ एनकरेजिंग वर्ड्स भी आते हैं कि मैम बहुत अच्छे कंटेंट आपके होते हैं, तो थैंक यू सो मच। और मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको इतना अच्छा बता सकूँ कि आने वाले समय में आप अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा सको, या जहाँ भी जिसकी भी किसी भी एग्जाम में आप कम्पीट करो तो आप ये बोल सको कि मैंने शिप्रा मैम से पढ़ा है। कुछ बच्चे कहीं और पढ़ के फिर वापस आते हो,
और इस विश्वास के साथ आते हो कि मैम आपके पास आए, जैसे आपको बढ़ाना है, जिस गाइडेंस से आपको हमें आगे बढ़ाना है आप बढ़ाइए, तो मुझे बहुत खुशी होती है। अगर आप मेरे पास आते हैं तो एक कॉन्फिडेंस के साथ आइए, एक अपनेपन के साथ आइए कि शिप्रा मैम से पढ़ रहे हैं। शिप्रानॉमिक्स इज अ फैमिली, ठीक है, शिप्रानॉमिक्स इज अ फैमिली। आप लोगों के बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिसमें मैं 30 डेज के लिए मैंने बोल के शुरू किया कि 30 डेज में ये खत्म होगा, लेकिन मुझे लगता है कि जब तक आपके एग्जाम्स ना आ जाएं ये टेस्ट सीरीज चलती रहनी चाहिए। तो ये अपनापन तभी आता है जब स्टूडेंट हम पे विश्वास करते हैं और हमें भी लगता है कि आपके रिजल्ट्स आने चाहिए। तो स्टूडेंट ट्रस्ट मी, आप सभी के इतने सारे जो कंप्लेंट्स आते हैं मैं पढ़ती हूँ, कॉल्स नहीं उठा पाती बिकॉज अकेले कभी कभी मुझे वन मैन आर्मी की फीलिंग आती है। अकेले कंटेंट लिखना, उसको वीडियो में कन्वर्ट करना, ऐप पर कंटेंट डालना, आपके लाइव क्लासेस लेना एंड उसके अलावा, इन सारी चीजों के अलावा पूरे मैनेजमेंट को देखना। एंड मैं बड़ी कोशिश कर रही हूँ कि मैं इकोनॉमिक्स में जितने अच्छे कंटेंट्स हैं, हिंदी मीडियम में बहुत कम कंटेंट्स मिलते हैं, हिंदी मीडियम में अच्छे कंटेंट्स देने की मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। और इंग्लिश मीडियम में चूंकि अभी बहुत स्टूडेंट आने लगे हैं तो मैं काफी जल्दी उसको भी पूरा करने की कोशिश करूंगी। अब इसके साथ ही साथ आप लोगों की एक शिकायत मेरे से ये भी है कि मैम आप कभी कभी लाइव आना छोड़ देते हो, तो स्टूडेंट बीच में बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाने के कारण थोड़ी सी हाई बीपी की प्रॉब्लम हो गई, तो जिसकी वजह से थोड़ा गैप आ गया। एंड अभी धीरे धीरे कर करके मैं फिर से कोशिश कर रही हूँ कि लाइव भी मैं बहुत सारे कंटेंट्स डाल सकूं। तो देखिए स्टूडेंट, आप लोगों के द्वारा जो भी भेजा जाता है उसमें से सिलेक्टेड कंटेंट मैं लाइव क्लासेस में कराती हूँ, क्योंकि एक शिप्रा मैम को दो दो चीजें संभालनी पड़ रही है, ऐप भी संभालती हूँ और मैं अपना यूट्यूब प्लेटफॉर्म भी देखती हूँ, और दिस इज माई हॉबी। मुझे हमेशा से ये था कि मैं इकोनॉमिक्स को एक अलग मुकाम पे ले जाऊं, और अभी मैं कोशिश कर रही हूँ साथ ही साथ इकोनॉमिक्स में, खासकर इकोनोमेट्रिक्स में अपनी एक बुक लिख पाऊँ। तो ये भी मेरा एक ड्रीम है जिसको बहुत ही जल्दी मैं फुलफिल करूंगी, और आप लोगों के लिए हिंदी माध्यम में इकोनोमेट्रिक्स की एक अच्छी बुक पब्लिश करने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये ढेर सारे प्रोजेक्ट्स हैं, ढेर सारे वर्क्स हैं, तो इसमें से अगर आप लोगों में से किसी का रिक्वेस्ट पूरा नहीं हो पाता है, जस्ट वेट फॉर दैट। मैं एक एक कर करके, आप यू वोंट बिलीव, हर एक दिन मुझे कम से कम 500 से 800 मैसेजेस और नहीं भी तो कम से कम 20-25 कॉल्स रिसीव होते हैं, लेकिन हर कॉल का जवाब दे पाना, हर मैसेज का रिस्पॉन्स दे पाना मुश्किल है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जितना मैं रिस्पॉन्स देती हूँ, जितना मैसेजेस का रिप्लाई करती हूँ, बहुत मुश्किल है लेकिन मैं कोशिश जरूर करती हूँ। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स हैं बिल्कुल लगातार मैसेज करते हैं कि मैम आप मेरा मैसेज पढ़ नहीं रहे हो, मैम मेरा मैसेज देखो, तो मैं उन मैसेजेस पर भी ध्यान देती हूँ। तो स्टूडेंट थोड़ा सा हैव पेशेंस, क्योंकि पेशेंस बहुत बड़ी कुंजी होती है सफलता की। आप एग्जाम में पेशेंस रखते हो उसी तरीके से आप अगर किसी एजुकेटर से पढ़ रहे हो तो हैव पेशेंस विद द स्टडीज और हैव रेस्पेक्ट, दिस इज म्यूचुअल। अगर आप रेस्पेक्ट के साथ चीजें लिखोगे तो हमारे मन में भी आता है कि इस स्टूडेंट के लिए हमें बहुत अच्छा करना है और इस स्टूडेंट का रिजल्ट आना चाहिए। तो शिप्रानॉमिक्स इज अ फैमिली। आप लोग जो भी हम इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हो, ट्रस्ट मी मैं सभी के लिए सोचती हूँ और सभी के जितने कंप्लेंट्स हैं अकेले उस सभी को फुलफिल करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।